इंशाल्लाह भाई हम आज जो है डायरेक्शन कोसाइंस और रेशियोज के नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे। इसमें एक क्वेश्चन लिखा देखिए मैं बोर्ड पे, फाइंड द एंगल बिटवीन टू डायगनल्स ऑफ ए क्यूब। देखिए अब ये क्वेश्चन को समझना है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए पहले क्या करेंगे, क्यूब उतार लीजिए आप लोग। कैसा करना, दो स्क्वेयर्स उतार लीजिए, क्यूब बन जाएगा ना, ठीक है। उसके बाद एडजस्ट ज्वाइन कर लेना सर। अब इसमें से हम क्या करेंगे, क्यूब में से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस बनाएंगे, ठीक है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस कैसा, इसको थोड़ा आगे एक्सटेंड कर दो, ये एक्स एक्सिस हो जाता, इसको थोड़ा ऊपर कर दो ये वाई एक्सिस, ये जो है इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दो ये जेड एक्सिस, ठीक है। अब ये हो गया पहली चीज़, सब इसका साइड ए ले लो, नेमिंग्स कर लेंगे, ओरिजिन है ना, ऐसा कर में ओ ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। तो ये हो गया इसके साइड्स। अब देखिए सबसे पहले इसका साइड सपोज ए ले लो आप, तो हमेशा रहता है ना हॉरिजॉन्टल के लिए एक्स रहता, एक्स कोऑर्डिनेट, वर्टिकल के लिए वाई कोऑर्डिनेट रहता, और ये जो ऐसा क्रॉस आ रहा है इसके लिए जेड एक्सिस रहता, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। तो ये तीन देख के हम क्या करेंगे, इसके वर्टिसेस लिखेंगे। अब ये एक्स एक्सिस है, गौर से सुनिए, इस पर वाई और जेड नहीं रहता, वाई एक्स कोऑर्डिनेट जीरो रहता, जेड कोऑर्डिनेट जीरो रहता, ये ए आ जाएंगे। वैसे ये सी क्या है, वाई एक्सिस पे, तो सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट रहता, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो रहता, वाई कोऑर्डिनेट ए आ जाएगा जीरो। अब ये जेड एक्सिस है ना, जेड एक्सिस पे एक्स और वाई नहीं रहता, जीरो कॉमा जीरो कॉमा ई। अब सपोज आप ई लिखेंगे, और से देखिए ई तक कैसे जाएंगे आप, ये एक्स यूज हो रहा वाला सा, ये जेड ऐसा भी करते हुए होता, ये जेड और ये एक्स। तो ई के लिए क्या आएंगे, दो कोऑर्डिनेट्स आएंगे अपने पास, एक्स और जेड, एक्स वाई नहीं रहेंगे इसके, जीरो है ना, ये जो प्लेन है ये एग्जैक्ट प्लेन बोलते हैं, से एग्जैक्ट आ जाता। अब जी बोलिए आप लोग, जी तक जाने क्या यूज़ होता, बोलिए आप, ये वाई यूज़ हो रहा, जेड यूज़ हो रहा, या ऐसा भी कर तो जेड यूज़ हो रहा, वाई यूज़ हो रहा, तो इसको एक्स यूज नहीं होना, जीरो कॉमा ए कॉमा ए, ठीक है। और यहाँ पे आ जाइए बी पे, बी पे क्या यूज़ हो रहा, एक्स और वाई, ए कॉमा जीरो, ठीक है। अब लास्ट में ओरिजिन तो क्या है था अपने पास, जीरो कॉमा जीरो, ठीक है। अब एक चीज़ बची हुई, एफ, एफ में तीन यूज़ होते हैं, देखिए एक्स वाई जेड, कैसे भी जाओ वाई एक्स जेड, कैसे भी जाओ वही यूज़ होता है, जेड एक्स वाई। तो ये एक है जो थ्री कॉर्नर्स आएंगे इसमें, ए कॉमा ए, ये हो गया पहली चीज़ है ना। इसको कुछ लिख डालना है, स्टेटमेंट लिख डालिए, लेट ओ ए बी सी डी ई एफ जी बी द क्यूब, बी द क्यूब विथ साइड क्या ले लिया बोले हम, साइड ए, विथ साइड ए, देयरफॉर वर्टिसेस आर। अब ये वर्टिसेस बना लेंगे, वर्टिसेस आर कहेंगे बोलिए, सबसे पहले ओरिजिन ले लिया जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो, फिर ए क्या है अपने पास, ए कॉमा जीरो कॉमा जीरो, फिर बी है हमारे पास ए कॉमा जीरो, वैसे सी जीरो ए जीरो, फिर डी जीरो कॉमा जीरो कॉमा ए, फिर ई ए कॉमा जीरो कॉमा ए, फिर एफ ए कॉमा ए, फिर जी जीरो कॉमा ए कॉमा ए। तो ये हो गया हमारे पास जो है पूरे, हाँ पूरे वर्टिसेस हो गए। अब इसमें आप देखिए चार डायगनल्स हो सकते हैं, अगर आप ओ से लेंगे तो एफ आएगा डायगनल, डायगनल किसको बोलते हैं, जो बीच में से क्रॉस होना, आप देखिए ओ टू एफ हो जाएगा। अगर सी लिया आप तो बीच में से क्रॉस होकर कुछ लाइन जाएंगी, सी से ई तक आ जाएंगे एक डायगनल। अगर डी लिए समझाओ तो थोड़ा दिमाग लगाइए, डी से कहाँ तक जाएंगे, बी तक जाएंगे है ना, और जी लिए समझे तो जी से कहाँ तक जाएंगे, ए तक जाएंगे। तो ये हो जाएंगे उसके चार डायग्नल्स है ना, याद रख लेना इसको, ये फोर डायग्नल्स ऑफ द क्यूब हो गया, फोर डायग्नल्स ऑफ द क्यूब। अब अपने कोई दो डायग्नल्स लेना है, उसके बीच में एंगल बाउंड करना है, लेट एक डायग्नल ले लेंगे ओ एफ, ठीक है। यहाँ बता रहा हूँ सपोज एक डायगनल मैं ओ एफ ले ले रहा हूँ, एक डायगनल ओ एफ और एक डायगनल जी, ये दोनों के बीच में एंगल मार्क करना है। लेट ऐसा इधर में टीटा बी द एंगल, बी द एंगल बिटवीन किस में ले रहे अपन, ओ एफ एंड जी ए, कुछ भी इधर हो तो ओ एफ के रेशियोज मार्क करो और जी ए के रेशियोज मार्क करो। ओ है हमारे पास जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो, ओ क्या है अपने पास जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो, और एफ क्या है हमारे पास ए कॉमा ए। देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओ एफ क्या लिखेंगे फॉर्मूला, एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन,
जेड टू माइनस जेड वन, तो क्या आएगा बोलिए, ए माइनस जीरो कॉमा ए माइनस जीरो कॉमा ए माइनस जीरो, तो क्या आ जाएगा बोलिए आप, ए कॉमा ए कॉमा ए, एक हो गया। दूसरा क्या ले रहे हैं हम, जी और एफ ले रहे हैं, तो जी क्या है हमारे पास, जीरो कॉमा ए कॉमा ए, और एफ क्या है हमारे पास, सॉरी जी और क्या ले रहे हैं, ए ले रहे हैं, जी के साथ ए है ना, ए है हमारे पास जीरो कॉमा सॉरी ए कॉमा जीरो कॉमा जीरो, ऊपर लिखा हुआ ना। अब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ जी ए कहेंगे फॉर्मूला ऐसा एकदम अच्छा था, कम जीरो माइनस कम आते, एक्स टू माइनस एक्स वन वाई, न तो लिख डालो मैं, एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन, तो ये हो गया माइनस ए कॉमा ए कॉमा ए। अब दो लेंस के रेशियोज है ना, पहला रेशियो समझना ए वन बी वन सी वन, और दूसरा रेशियो समझना ए टू बी टू सी टू। अब एंगल के लिए अपने पास फॉर्मूला है, प्रीवियस क्लासेस में पढ़े थे हम, कॉस थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर इंटू कहेंगे ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर, ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर, ये कहेंगे मॉडल बोलिए ए वन सॉरी ए वन ए टू ए इंटू माइनस सी प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर, तीन भी स्क्वायर हो जाएंगे ना, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो प्लस इंटू माइनस माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल, एक ए स्क्वायर बच गया बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर थ्री ए स्क्वायर फिर थ्री ए स्क्वायर, तो ये क्या बचेगा बोलिए, कॉस थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई थ्री ए स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल, देर फोर कॉस थीटा इक्वल्स टू वन बाई थ्री, तो देर फोर थीटा इक्वल्स टू इनवर्स में डालिए कॉस इनवर्स वन बाई थ्री, कॉस इनवर्स वन बाई थ्री, तो ये हो गया एंगल बिटवीन द टू डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब। ऐसा और एक क्वेश्चन मिलता जुलता है अभी करेंगे भी। अब देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, सेम वैसी क्वेश्चन है, इफ़ ए रे मेक्स एन एंगल ऑफ अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा विद द फोर डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब। पिछले क्वेश्चन में क्या था, सिर्फ दो डायगोनल्स के बीच में एंगल वन करना था, लेकिन अब के क्वेश्चन में क्या है, चार डायगोनल्स से एक रे पास हो रही, वो चार डायगोनल्स से एंगल्स क्या बना रही, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो ये डायगोनल्स निकाल देंगे अपन, ठीक है। फिगर इसलिए सेव रखा है, यहाँ कॉन्सेप्ट वही रहेगा बिल्कुल। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा, ये वैल्यूज माउंट के बोला। तो रे के एंगल्स क्या है, पूरे एंगल्स क्या है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ याद लीजिए आप लोग, देखिए और से मैं एक फिगर लिखे तो लाइट समझा रहा हूँ आपको। अब ये चार डायगनल्स होते हैं हमारे पास, आप बोलिए जी से क्या होगा डायगनल ए होगा, और सी से डायगनल ई होगा, और ओ से डायगनल एफ होगा, और बी से डायगनल डी होगा। अब ये चार डायगनल्स है, सब उसको ये रे पास हो रही है, फिगर उतारना जरूरी नहीं है, मैं सारी खाली समझाने होता हूँ। अब ये रे चारों से एंगल बना रही ना, उनका बोल रहे हैं भाई सपोज एक से एंगल अल्फा है, एक से बीटा है, एक से गामा है, एक से डेल्टा है, ठीक है, ये एंगल्स है अल्फा बीटा गामा डेल्टा, देन शो डेट बोल के प्रूफ पान करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। और एक चीज़ समझ जाना है इसमें, और एक चीज़ ये है कि अपन देखो याद रखना, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू वन है, ये वैल्यू याद रखना। अपन क्या करेंगे, लेट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस रे बी एल एम एन ले लेंगे, ठीक है। तो अब एक डायगनल से पहले एंगल मालूम कर लेंगे, बाकी के एंगल्स मालूम करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिमिलरली बोल के डाल सकते हैं, वो क्वेश्चन में समझाऊंगा मैं। एक एंगल मालूम कर लेंगे अल्फा, उसके बाद बीटा गामा डेल्टा अपन क्या है अपने से लगा सकते हैं इंशाल्लाह। तो अब इसको स्टार्ट करेंगे हम। अब देखिए चार डायगनल्स के पहले हम डायरेक्शन रेशियोज मालूम कर लेंगे, सबसे पहले ऐसा स्टार्ट करूँ मैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओ एफ। ओ एफ कौन से होते हुए, यहाँ पे देखिए ओ है और यहाँ पे एफ है। अब देखिए दो तीनों से माइनस कर सकते हैं आप, ओ एफ सॉरी ओ यानी ओरिजिनल यहाँ से, है ना, ये दोनों को मिलाना है। एक तो फॉर्मूला एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस, अगर ऐसा जाएंगे आप जीरो माइनस ए माइनस ए
जीरो माइनस ए माइनस ए, जीरो माइनस ए माइनस ए, तो तीन माइनस ए आते हैं, उससे अच्छा उल्टा जाइए, एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन ऐसे लिखिए, एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन, तो ये हो गया ए कॉमा ए कॉमा ए। वैसे और एक लिखता हूँ मैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ, वैसे चार डायगनल्स के लिखना है ना आपने को, पहले ओ एफ लिख डाले, अब कोसे लिख डालो, सपोज जी ए लिख रहे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ जी ए, तो जी कहाँ है ए कहाँ है देखिए आप, जी ए है ना, तो जी ए को मिला डालो जी और ए, तो यहाँ पे देखिए आप, अब दो तरह से माइनस कर सकते हो आप, अगर ऐसा माइनस कर समझो एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन, तो ये क्या हो जाएंगे बोलो ए माइनस ए माइनस ए, माइनस दो बार आ रहा, तो माइनस दो बार लाने से अच्छा एक बार ला रहा हूँ, उल्टा माइनस करो, उल्टा माइनस करो, कैसे भी करो आंसर वही आता, लेकिन आंसर अच्छा दिखता है। जी ए यानी ऐसा लिख डालो जीरो माइनस ए एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन, तो ये हो जाएगा माइनस ए कॉमा ए कॉमा ए। वैसे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ चार होना है अपने को है ना डायगनल्स, और एक डायरेक्शन रेशियोज ऑफ जी ए हो गया ना भाई, अब सी ई लिख रहा हूँ मैं, सी ई कैसा माइनस करेंगे बोला ऐसा एक्स टू माइनस एक्स वन ए माइनस जीरो ए डायरेक्ट डालो मैं, जीरो माइनस ए माइनस ए ए माइनस जीरो ए, और एक बचा, और एक क्या है लास्ट में डायरेक्शन रेशियोज ऑफ क्या बचे हुआ है भाई, जी बी डी बी और डी, तो बी डी क्या है ये है ना भाई एक्स टू माइनस एक्स वन ए वाई टू माइनस वाई वन बी, ठीक है ना भाई। अब ये तीनों में फ़र्क क्या हो, ये पूरे प्लस है, इसमें एक एक्स कोऑर्डिनेट माइनस है, इसमें वाई कोऑर्डिनेट माइनस है, इसमें जेड, तो एक का एंगल पहले मालूम कर लेंगे हम, सिमिलरली बोल के बाकी डाल सकते हैं, लेट अलहदर कॉस अल्फा ए, अच्छा रे का एंगल नहीं लिया ना अपन, लेट डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ रे बी, ये ले लेंगे एल कॉमा एम कॉमा एन, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ रे, अब देर फोर अपने पास दो है, एक है एल कॉमा एम कॉमा एन, और सपोज एंगल अपन पहले ओ एफ का ले लेंगे, तो ओ एफ के रेशियोज क्या है हमारे पास ए कॉमा ए कॉमा ए, तो अब एंगल के लिए फॉर्मूला क्या है, इसको सपोज ए वन बी वन सी वन समझो, इसको ए टू बी टू सी टू, ठीक है, तो देर फोर कॉस पहले एंगल किस बताना है अपने को, अल्फा से, कॉस का फॉर्मूला क्या है ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर इंटू ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू, उसको सॉल्व कर लो, ए वन क्या है एस एल समझो एल वन एल इंटू ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू एन इंटू ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ क्या हैंगा बोलिए ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर ने क्या हैंगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब ऊपर न्यूमैटर में कॉमन क्या आएंगे बोलिए, न्यूमैटर में कॉमन आ जाएगा ए, अगर ए हम कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा एल प्लस एम प्लस एन डिवाइड बाई एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, याद रखना वन होता, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस स्क्वायर वन, रूट वन वन छोड़ा लो, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर थ्री ए स्क्वायर, और थोड़ा सॉल्व कर लो ए इंटू एल प्लस एम प्लस एन बाई ये रूट थी अलग करा लो, रूट थी अलग करा लो, ये रूट स्क्वायर कैंसिल ए हो गया, तो ए ए कैंसिल। अब इसको ऊपर लिख के समझाऊंगा मैं, कंटिन्यूशन करेंगे, एक एंगल आगे अपने को बाकी के सिमिलरली बोल के डाल सकते हैं, देखिए अब कॉस अल्फा आ गया सिमिलरली बोल के अब बाकी के डालेंगे, अब दूसरे रेस में फ़र्क क्या है, खाली उसमें प्लस थे पूरे, एक में एक्स कॉर्डिनेट माइनस था, एक में वाई एक में जेड, देयरफॉर सिमिलरली बोल के बाकी इसे डालना कॉस बीटा डालेंगे दूसरे, इसको माइनस कर दीजिए माइनस एल प्लस एम प्लस एन बाय रूट थ्री, वैसे कॉस गामा y कोऑर्डिनेट माइनस कर दीजिए एल माइनस एम प्लस एन बाई रूट थ्री, वैसे एक बार क्या करना भाई कॉस डेल्टा इक्वल्स टू एल प्लस एम माइनस एन बाई रूट थ्री बाई रूट थ्री, ठीक है। अब आ गया ना आपने क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा हो तो कॉस अल्फा की वैल्यू क्या है एल प्लस एम प्लस एन बाई रूट थ्री होल स्क्वायर प्लस माइनस एल प्लस एम प्लस एन बाई रूट थ्री होल स्क्वायर प्लस एल माइनस एम प्लस एन बाई रूट थ्री होल स्क्वायर प्लस एल प्लस एम माइनस एन बाई रूट थ्री होल स्क्वायर। एक काम करो पूरों का डिनोमीटर वन बाई थ्री बाहर निकाल लो, कैसा रूट स्क्वायर कैंसिल
रूट स्क्वेयर कैंसिल, 3 3, ये पूरा बाहर निकाला रहे। अब ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या होता है, याद रखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, याद हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। अब इसमें एक माइनस आना ना, मैं समझाऊंगा, ये तीन तो प्लस ही आएंगे, एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है ना। अब क्या आता, 2lm 2mn 2nl, इसमें तीनों में क्या करना, अपन को सा वाली माइनस अपने पास l माइनस में है ना, तो ये तीनों में से जिसमें l है उसको माइनस करना, l माइनस में है ना, तो l किस में माइनस में, इसमें माइनस में, इसलिए इसको माइनस, इसमें माइनस है इसमें माइनस, ये प्लस कर लो, तो ये दो डाले वैसे। अब यहाँ पे आ जाओ, प्लस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 2lm माइनस 2mn प्लस 2nl, समझ गया ना, क्योंकि m माइनस में था ना इसलिए m के एटम्स को माइनस कर ले। वैसे यहाँ पे आ जाइए, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2lm माइनस 2mn माइनस 2nl ब्रैकेट। अब देखिए हम कैंसिलेशन कहेंगे, तकरीबन कैंसिलेशन आते हैं, देखिए यहाँ पे प्लस 2lm माइनस प्लस 2mn माइनस 2mn प्लस 2nl माइनस 2nl प्लस 2mn माइनस 2mn है ना, प्लस 2nl माइनस माइनस प्लस कैंसिल। अब थोड़ा बचे हुआ बस, अब इसको ऐड कर लेना, 1/3 इंटू एल स्क्वायर, चार है देखिए, 1 2 3 4, वैसे 4m स्क्वायर ऐड कर लीजिए, 4n स्क्वायर, ये पूरा में से 4 कॉमन ले लीजिए, तो 4/3 हो जाता, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होता, तो 4/3 इंटू 1 बोले से, तो 4/3 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 4/3। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ 6, 10, 10, 1, 0, -5, 6, 10, 0 आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ द साइड्स, डिटरमाइन वेदर इट इज राइट एंगल और आइसोसेलेस। एंगल्स फाउंड करने का मेथड बताता हूँ मैं, ताकि सेकंड क्वेश्चन आप लोग कर ले सकते हैं। द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल और ए बी सी, फाइंड एंगल ए एंगल बी एंगल सी। अब ऊपर गए उसको आप चाहे तो एंगल्स फाउंड कर सकते हैं राइट एंगल प्रूफ करने के लिए, या पाइथागोरस थ्योरम भी यूज़ कर सकते हैं, है ना, दो साइड्स इक्वल बोलता है कि मैग्नीट्यूड इक्वल बता सकते हैं, लेकिन मैं क्वेश्चंस में गए एंगल्स बता देता हूँ ताकि आप लोग को एंगल्स कर लेते हैं और डायरेक्शन को साइंस। तो पहले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, डायरेक्शन को साइंस मालूम करेंगे और राइट एंगल ट्राइंगल की वजह से तीन एंगल्स फॉर्म करेंगे। अगर एक एंगल भी राइट एंगल आ गई 90 डिग्रीज तो राइट एंगल, अगर दो एंगल्स इक्वल आए तो आइसोसेलेस। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखो लेट ए क्या ले लेंगे, 6, 10, 10, ठीक है, बी ले लेंगे 1, 0, -5 और सी ले लेंगे 6, -10, 0, बी द वर्टिसेस, बी द वर्टिसेस। सपोज कोई भी ट्राइंगल है समझो, सपोज ठीक है, अब ये ए हो गया 6, 10, 10 और बी हो गया 1, 0, -5 और सी हो गया 6, -10, 0, 6, -10, 0। तो तीनों के पहले रेशियोज मालूम करना फिर कोसाइंस। सबसे पहले देखिए डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी क्या है अपने पास फॉर्मूला, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, x2 - x1, y2 - y1, z2 - 1 + 5, तो ये हो गया 5, 10, 15, ये हो गया डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी, डायरेक्शन रेशियोज हो गया। अब क्या करना है, कोसाइंस है, आधे आप लोगों को प्रोसीजर बताया था मैं, कोसाइंस के लिए पहले आर मार्क कर लेना, आर होता अंडर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आर से फिर डिवाइड करते तो कोसाइंस आते हैं। अब कैसा करना, बस इसको स्क्वेयर्स मत को आप लोगों को एक आइडिया बताता हूँ मैं, इसमें से 5 स्क्वायर कॉमन ले लो, अगर आप 5 स्क्वायर कॉमन ले तो 5 1 सा होता ना 1 स्क्वायर बचता है, 5 2 सा होता ना 2 स्क्वायर बचता, 5 3 सा 3 स्क्वायर, ये रूट स्क्वायर कैंसिल करके 5 डालना इंटू अंडर रूट ऑफ 9, 3 स्क्वायर 9 + 1 10 + 4 14। अब इसको आर से डिवाइड करना तो कोसाइंस आते हैं, देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी, ऑफ ए बी डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी कहेंगे, बोलिए एक एक को आर से डिवाइड करते हैं, ये 5/5√14, 10/5√14, वैसे 15/5√14, तो 5 1s, 5 2s, 5 3s, तो ये आ गया 1/√14, 2/√14, 3/√14, ये आ गया पहला हमारे पास। अब वैसे नेक्स्ट क्या है भाई, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ क्या मालूम करेंगे, बी सी, फिर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ बी सी। तो पहले क्या करना है अपने को, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ बी सी,
यहाँ एकदम ऊपर देखेंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी सी इक्वल्स टू, देखो बी है और सी है ना, एक्स टू माइनस एक्स वन क्या बोलिए, वन माइनस सिक्स, वाई टू माइनस वन प्लस टेन, जेड टू माइनस जेड वन क्या क्या बोलिए, माइनस फाइव, माइनस फाइव टेन माइनस फाइव, माइनस दो आ गया तो माइनस कॉमन ले लिया समझो, बताने की जरूरत नहीं, एक्चुअली ये प्लस सौ माइनस सत्ता है, प्लस सौ माइनस, तो माइनस निकाल डालो, माइनस कॉमन ले लिया समझो, तो माइनस जाके प्लस होता, प्लस जाके माइनस, माइनस जाके प्लस, ऐसा ले लो अच्छा रहता। एक बार रिवाइज कर लो, डायरेक्शन को साइंस या डायरेक्शन रेशियोज में अगर दो माइनस है ना तो माइनस को निकाल डालो, माइनस निकालने का मेथड यह था कि माइनस कॉमन ले लिया समझो, तो बताने की जरूरत नहीं, माइनस प्लस सौ माइनस सत्ता है एक्चुअली, तो फाइव माइनस टेन फाइव, ये एक भी वैल्यू रहती है। अब इसमें भी आर मालूम कर लो, आर क्या होता है अंडर रूट ऑफ, तो दो माइनस या तीन माइनस आते तो माइनस कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर प्लस माइनस टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर, फिर इसमें से ही फाइव स्क्वायर कॉमन ले लो आप, तो क्या बचेगा वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, रूट स्क्वायर कैंसिल, रूट ऑफ फोर फाइव सिक्स, फाइव रूट सिक्स। अब क्या करना है, इसको हम अगर आर बी रेशियोज को आर से डिवाइड करें तो कोसाइंस बात है, देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ बी सी इक्वल्स टू किससे डिवाइड करना, फाइव बाई फाइव रूट सिक्स माइनस टेन बाई फाइव रूट सिक्स, फाइव बाई फाइव रूट सिक्स, समझ गया ना भाई। अब क्या कर रहे हैं हम, अगर आर से डिवाइड करें तो कोसाइंस आते हैं, तो ये हो गया वन बाई रूट सिक्स, ये क्या हो गया माइनस टू बाई रूट सिक्स, वन बाई रूट सिक्स, तो दो साइड्स के अपने पास रे कोसाइंस आ गए। अब तीसरा साइड बचे हुआ अपने पास, ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए सी क्या है हमारे पास फॉर्मूला, एक्स टू माइनस एक्स वन, ऊपर से देख के वाले सिद्धारों में एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, टेन माइनस वन प्लस टेन होता, जेड टू माइनस जेड वन, तो कहेंगे जीरो कॉमा ट्वेंटी कॉमा टेन, जीरो कॉमा ट्वेंटी कॉमा टेन। अब इसके आर मालूम कर लो, आर क्या है अंडर रूट ऑफ जीरो स्क्वायर प्लस ट्वेंटी स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ टेन स्क्वायर कॉमन ले लो आप, ये जीरो तो छोड़ाओ, टेन टू जाता ना, टू स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर फाइव, तो टेन रूट फाइव, इसको भी डिवाइड कर लो, देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए सी क्या आएंगे बोलिए, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए सी पूरों को किसे डिवाइड करना, आर से, जीरो बाई टेन रूट फाइव कॉमा ट्वेंटी बाई टेन रूट फाइव कॉमा टेन बाई टेन रूट फाइव, तो क्या आएंगे जीरो बाई नी नंबर, जीरो वन जा टू जा, जीरो जीरो कैंसिल, टू बाई रूट फाइव, टेन टेन कैंसिल, वन बाई रूट फाइव, तो ये इसको ऊपर कंटिन्यू करेंगे। अभी रेशियो कोसाइंस आ गया, अब एंगल्स मालूम करना बाकी है। अब आप देखिए ए बी और बी सी में कॉमन क्या है, बी, तो ये दोनों के बीच में एंगल बी रहेगा, ये दोनों के बीच में एंगल क्या रहेगा, ए रहेगा, ए बी और ए सी एंगल क्या रहेगा, ए, बी सी और सी के बीच में एंगल सी है, तो सबसे पहले कॉस बी मालूम कर लेंगे हम, देखो एक बार फॉर्मूला डालना पड़ेगा, क्योंकि कोसाइंस मालूम कर लेंगे सीधा, ये फॉर्मूला कर लो, कोसाइंस के साथ क्या है एम वन एल वन एम टू प्लस एम वन एम टू प्लस एन वन एम टू, ये फॉर्मूला कब यूज कर सकते हैं, अगर कोसाइंस है तो, रेशियोज है तो ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू बाई अंडर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर, लेकिन कोसाइंस आने फॉर्मूला कर लो, अब बी वन करें ना, ये दोनों का रिलेशन ए एल वन एल टू यानी वन बाई रूट फोर्टीन इंटू वन बाई रूट सिक्स प्लस बी वन बी टू वन टू बाई रूट फोर्टीन इंटू माइनस टू बाई रूट फोर्टीन प्लस सी वन सी टू थ्री बाई रूट फोर्टीन इंटू वन बाई रूट सॉरी रूट फोर्टीन इंटू रूट सिक्स रूट फोर्टीन इंटू रूट सिक्स रूट फोर्टीन इंटू रूट सिक्स ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम क्या आता है रूट सेवेंटी आता ठीक है ना भाई, सॉरी फोर कितना आता है ये ट्वेंटी फोर का फोर कैरी टू ना एटी फोर सिक्स ट्वेंटी एटी फोर वन वन ज़ा वन माइनस टू टू ज़ा फोर प्लस थ्री ये क्या रहा फोर माइनस फोर जीरो आता जीरो बाई रूट एटी फोर जीरो बाई नी नंबर जीरो देयरफॉर कॉस बी इक्वल्स टू जीरो आ रहा देयरफॉर बी इक्वल्स टू क्या आएगा नाइन्टी डिग्रीज बी इक्वल्स टू नाइन्टी डिग्रीज वैसे कॉस सी मालूम कर लेंगे सी क्या है ये दोनों में कॉमन है तो क्या आएगा मॉड ऑफ एल वन एल टू कोसाई पहले लिख लो प्लस एम वन एम टू प्लस एन वन एन रूट फाइव इंटू रूट सिक्स रूट थर्टी आता ना तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ रूट थर्टी ऊपर कैसा आएगा बोलिए आप ऊपर माइनस फोर जीरो छोड़ा लो माइनस फोर प्लस वन माइनस थ्री मॉड में माइनस भी तो प्लस लेना थ्री बाई रूट थर्टी इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे थ्री बाई रूट थर्टी को थ्री को लिख डालो रूट थ्री इंटू रूट थ्री बट रूट थर्टी लिखो रूट थ्री इंटू रूट टेन
ये रूट थ्री, रूट थ्री का आंसर रूट ऑफ 3/10। दे फोर सी इक्वल्स टू कॉस इनवर्स इधर अच्छा था रूट ऑफ 3/10। और एक क्या बचा लास्ट में, एंगल ए बचा, तो इसलिए कॉस ए, ए किसके किसके बीच में आएगा, ये दोनों के बीच में ए आएगा, है ना। तो क्या आएगा देखिए, एल वन एल टू ज़ीरो इंटू 1/√14 प्लस 2/√5 इंटू 2/√14 प्लस 1/√5 इंटू 3/√14। ये ज़ीरो तो छोड़ा लो, 5 14 70 रूट 70, ऊपर क्या आएगा 2 2 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 क्या होता है 7, तो उसको भी थोड़ा चेंज कर लेंगे हम, कैसा बोलो, मॉड ऑफ 7 लिख डालो, रूट 7 इंटू रूट 7 बाई रूट 7 इंटू रूट 10, कैसा बोलो, ये 7 10 सा होता, ये रूट 7 इंटू रूट 7 एक कैंसिल हो गया, मिला के डालो रूट ऑफ 7/10। देयर फोर ए इक्वल्स टू कॉस इनवर्स रूट ऑफ 7/10। तो दो एंगल्स तो इक्वल ही आने, लेकिन एक एंगल राइट एंगल आने ना, तो देयर फोर द ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल डालो, आखिरी में आप लोग लिख डालिए उसको, देयर फोर द ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। तो इंशाल्लाह भाई नेक्स्ट पार्ट में कोई दूसरा पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आप लोग को इससे फ़ायदा हो रहा समझ में आया तो आपसे गुजारिश है इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने स्टूडेंट्स जो साथ में हैं, अपने दोस्त जो है फ्रेंड्स उनके साथ, है ना, शेयर करिए इंशाल्लाह, ग्रुप में डालिए इंशाल्लाह, उनका ही फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास में जो है कुछ और कंटिन्यू करिए।